डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस. एंड टुडे इज द 18th लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स एंड टॉपिक इज रोटेशनल मोशन. तो बच्चों, हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर अभी भी चल रहा है और रोटेशनल मोशन के टॉपिक में आज हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम क्या है उसको समझते हैं. ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट एंड डायमेंशन, और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है डेरिवेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज डिनोटेड बाय एल, जिसको हम एल से दिखाते हैं, और लीनियर मोमेंटम व्हिच इज डिनोटेड बाय पी, जिसको हम पी से दिखाते हैं. तो पहले लीनियर मोमेंटम क्या है वो समझो, फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्या है मालूम पड़ेगा. ठीक है, फिर डेफिनेशन देखते हैं. ये देखो बच्चों, जैसे कि लीनियर मोमेंटम आपको पता होगा, ये सारी बातें वैसे हम 11th में देख चुके हैं. लेट अस कंसीडर एक बॉल है. ठीक है, इस बॉल का मास है m, इस बॉल पे हमने फोर्स लगाया तो ये v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ा. तो मास इंटू वेलोसिटी ये क्या हो जाता है, मोमेंटम. तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. यानी जब किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंट पैदा हो, कोई ऑब्जेक्ट जब हरकत में आए यानी कोई मास में वेलोसिटी डेवलप हो जाए, तो उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, मोमेंटम. इसे हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम, बिकॉज इट इज इन द स्ट्रेट लाइन. ओके, तो अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. अब मान लो कि एक बॉल है, ठीक है, और इसको हमने एक स्ट्रिंग, एक रस्सी से बांध दिया, और मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया या जो भी एक पॉइंट से हमने इसको टाई कर दिया, और ये बॉल अब जो है गोल गोल घूम रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंगल बनाते हुए मोमेंट कर रहा है. तो अब इसके मोमेंट को हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम में एक क्वांटिटी फिक्स हो जाती है और वो है डिस्टेंस. ये डिस्टेंस फिक्स हो गया. एंड जैसा कि अभी मैंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय एल, तो एल इज इक्वल टू, यानी लीनियर मोमेंटम तो इसका भी हो रहा है, मास इसमें भी है, वेलोसिटी यहाँ पर भी है, तो मास इनटू वेलोसिटी, बट यहाँ पर डिस्टेंस फिक्स हो गया है ना. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यानी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डिस्टेंस है इस वेलोसिटी पर, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाता है लीनियर मोमेंटम का, फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी तो है ही और मल्टीप्लाई बाय आर. तो एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू एम वी आर. ठीक है, तो यानी कोई चीज़ अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसका मास हो, उसमें कोई ना कोई वेलोसिटी हो, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम. और इसी तरह कोई चीज़, कोई बॉडी अगर एक पॉइंट पर फिक्स हो और उसका डिस्टेंस फिक्स हो जाए और वो गोल गोल घूमना शुरू करे, रोटेशनल मोशन करना शुरू कर दे, तो उसके मोमेंटम को, उसकी मास और वेलोसिटी को जो कि एक डिस्टेंस के अराउंड फिक्स हो गया है, उसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम. तो मेरे ख्याल से अब आपको मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्लियर हुआ. ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसी फॉर्मूले को ध्यान में रख के जो इसका डेफिनेशन है वो देखते हैं. देखो, डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ध्यान दो. दूसरा डेफिनेशन जो इस इक्वेशन से मैच करता है, देखो, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करो लीनियर मोमेंटम से, देन इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम. तो आपको क्या मिल गया, एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एज वेल एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम. और पी का वैल्यू अगर आपने पुट किया, लीनियर मोमेंटम का वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, तो आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिल गया, एम वी आर. तो इधर देखो, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर. अच्छा, अब जो पहला डेफिनेशन है,
आप ये भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं. पहला तो ज्यादा सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम. अच्छा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आया है? मास इनटू वेलोसिटी. अच्छा, एनालॉजी के थ्रू अभी आपको क्वेश्चन आने वाला है, जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी. तो एनालॉजी अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आपको पता है कि आपको क्या डिराइव करना है. ठीक है, अगर लीनियर मोमेंटम को पी से दिखाते हैं तो एंगुलर मोमेंटम को किससे दिखाते हैं? एल से. लीनियर वेलोसिटी वी तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से. और अगर लीनियर मोशन में मास रोल जो प्ले करता है तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है. तो ये क्या हो गया फॉर्मूला? एंगुलर मोमेंटम का एल इज इक्वल टू आई ओमेगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी नोन एज एंगुलर मोमेंटम. प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम. तो चाहे यहां से डेफिनेशन बोलो ये भी चलेगा, चाहे ये डेफिनेशन बोलो ये भी चलेगा. ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, आप देख सकते हैं एल इज इक्वल टू आई ओमेगा एंड विच इज इक्वल टू एम वी आर, दोनों भी फॉर्मूला अप्लीकेबल है. आप यहां से भी चाहे तो ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप पुट करेंगे एम आर स्क्वायर एंड एंगुलर वेलोसिटी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशन पुट करेंगे तो भी ये फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है, चाहिए तो इसको भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो पहले तो आप समझ गए लीनियर मोमेंटम क्या है, मतलब मोमेंटम इन अ स्ट्रेट लाइन. एक बॉडी अगर में मास एम है उसके अंदर वेलोसिटी है तो हो गया लीनियर मोमेंटम. लेकिन अगर वही बॉडी एक डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है तो वो क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम. जैसे कि अभी फॉर्मूला आपने देखा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. अगर मैं बोलूं आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको मालूम है एम आर स्क्वायर. ठीक है, एंड वी नो दैट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा. ओके, तो ओमेगा की जगह मैं क्या पुट करूं? इट इज अ वी अपॉन आर. आर एंड आर गेट कैंसल और आपको मिल गया फॉर्मूला एम, पहले लिखता हूँ वी बाद में लिखता हूँ आर, एम वी आर. तो यहाँ से भी फॉर्मूला आ जाता है एल इज इक्वल टू एम वी आर और एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. तो मेरे ख्याल से सिंपल डेफिनेशन तो पहला वाला ही है कि एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम. यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन द एसआई सिस्टम, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन द सीजीएस सिस्टम एंड डायमेंशन इज एम वन एल टू टी माइनस वन इज द डायमेंशन फॉर एंगुलर मोमेंटम. तो बच्चों अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देना. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी. ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी. ओके बच्चों, अब डेरिवेशन देखते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम. तो क्वेश्चन जैसा कि मैं बता चुका आपको आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी. तो इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, जो कि क्या आने वाला है ये बात आपको मालूम पड़ चुकी है, जो मैं एनोलॉजी से आपको समझा चुका हूँ. लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, देन इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लाएंगे तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. लीनियर मोमेंटम पी, एंगुलर मोमेंटम एल. लीनियर वेलोसिटी वी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. मास प्लेज सेम रोल इन लीनियर मोशन एंड आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन. तो हमको प्रूफ करना है एक्चुअली एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, शो दैट, दिखाओ, शो दैट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. तो मैथमेटिकली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है. ठीक है, तो बच्चों अब जैसा कि एक्सप्लेनेशन डायग्राम वही है. ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एंड जेड डैश एंड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. लाइक यह हो गया एक्सेस ऑफ रोटेशन और ये बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है. ठीक है, दिस बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल हुज मास इज एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एंड एम एन एंड सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री आर फोर एर आर एन फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन. यानी ये बॉडी ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिसका मास एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम एन है और
इन पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर एन है। और भी बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं वहाँ पर, लेकिन हम कुछ पार्टिकल कंसिडर करते हैं, सबको हम ले नहीं सकते। हाँ, इन सारे पार्टिकल को ऐड करेंगे तो बॉडी बनती है और फिर बॉडी का मास हो जाएगा कैपिटल एम। ओके, एंड बच्चों द पार्टिकल विच इज हैविंग मास एम वन हैविंग लीनियर वेलोसिटी वी वन, इस पहले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी वी वन है, सेकेंड वाले की वी टू, थर्ड वाले की वी थ्री, क्योंकि ऑल द पार्टिकल हैविंग डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी सबकी, क्योंकि कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक भी हो सकता है, कोई दूर भी हो सकता है। बच्चों ऑल द पार्टिकल हैविंग डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी बिकॉज सबका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग, किसी का नज़दीक है किसी का दूर है, तो लीनियर वेलोसिटी इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। ओके, तो बच्चों जो इसका एक्सप्लेनेशन था ये तो आप जानते हैं, लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल हुज मास इज एम वन एम टू एम थ्री एंड अप टू एम एन सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री एंड अप टू आर एन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेट द फर्स्ट पार्टिकल हुज मास इज एम वन हैविंग लीनियर वेलोसिटी वी वन, पहला पार्टिकल जिसका मास एम वन है, जिसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर वन है, उसका लीनियर वेलोसिटी कितना है वी वन। तो हम पहले हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल whose mass is m1 and distance is r1. We know that the relation between linear velocity and angular velocity क्या हो जाएगा, v is equal to r omega. तो पहला पार्टिकल है तो इसको मैं लिखूंगा v1 is equal to r1 omega. Similarly second पार्टिकल का क्या हो जाएगा, v2 is equal to r2 into omega. Up to nth पार्टिकल का तो vn is equal to rn into omega. ठीक है, तो अभी हमने हर एक पार्टिकल का linear velocity फाइंड आउट किया। अब लीनियर वेलोसिटी के बाद निकालते हैं लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हुज मास इज एम वन, फर्स्ट पार्टिकल हुज मास इज एम वन। तो बच्चों लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है आप जानते हैं, लीनियर मोमेंटम अभी मैंने आपको समझाया था, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। एक बॉडी है जिसके पास मास है, अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी आई मतलब वो मोमेंटम में आ गया, तो लीनियर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम डिनोटेड बाय पी वन, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा एम वन वी वन। अच्छा, अब लीनियर मोमेंटम मिल गया, अब मैं सेकेंड थर्ड और अप टू एंथ पार्टिकल का नहीं भी लिखूंगा तो भी ज़रूरी नहीं है, मैं पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लेता हूँ फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और एंथ पार्टिकल का एक साथ लिखता हूँ। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब मैं निकालता हूँ, मैंने मैं पहले पार्टिकल पर ही पूरा रिसर्च करूँगा और जब पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा तो सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का भी निकाल लूँगा, थर्ड का भी निकाल लूँगा, फोर्थ का, एंथ का, सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल लूँगा और लास्ट में क्या करूँगा, सारे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरे बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम पूरे बॉडी का मिल जाएगा। तो ठीक है, तो अभी मैंने पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकाला, मास इनटू वेलोसिटी, तो एम वन वी वन। क्यों बोला एम वन, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल हुज मास इज एम वन एंड हुज वेलोसिटी इज वी वन, दैट्स व्हाई वी वन इज इक्वल टू एम वन इनटू वी वन। अब एंगुलर मोमेंटम निकालने से पहले ये जो वेलोसिटी वी वन का वैल्यू आर वन ओमेगा आई है, हम यहाँ पर पहले पुट कर देते हैं तो क्लियरली एग्जैक्ट लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल का हमको मालूम पड़ेगा। तो मैं वी वन का वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, देयर फोर पी वन इज इक्वल टू एम वन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी वन, इट इज़ आर वन इंटू ओमेगा। तो आपको मिल गया लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, अब हमको क्लियरली पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम मिला है। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अब चूंकि लीनियर मोमेंटम का वैल्यू मिल गया है, अब एंगुलर मोमेंटम का निकालता हूं। ओके, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हुज मास इज एम वन, पहले ही पार्टिकल का अब एंगुलर मोमेंटम निकालने जा रहा हूं जिसका मास है एम वन,
और एंगुलर मोमेंटम, यू नो दैट विच इज डिनोटेड बाय एल. तो एंगुलर मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय एल एंड एंगुलर मोमेंटम, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एज वेल एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अभी शुरू में हमने स्टार्ट में डेफिनेशन डिस्कस किया था, एल इज इक्वल टू पी इन टू आर. इट इज अ फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल का निकाल रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा, एल वन इज इक्वल टू पी वन इन टू आर वन. और मेरे पास जो पी वन का वैल्यू मिला है मैं यहां पर पुट करता हूं और पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकलेगा. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एल वन विच इज इक्वल टू पी वन का वैल्यू क्या मिला, एम वन आर वन इन टू ओमेगा एंड इन टू आर वन. तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विच इज इक्वल टू आर वन इंटू आर वन, आर वन स्क्वायर, एम वन आर वन स्क्वायर इन टू ओमेगा. ये आपको मिल गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. ठीक है, अब जब पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल गया तो अब मैं बार बार सबका इस तरह सॉल्व करके नहीं निकालूंगा. अब सिमिलरली सेकेंड थर्ड और अप टू एंथ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, क्या मिला फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या मिला, एक बार यहां लिख देते हैं. फर्स्ट पार्टिकल का एल वन इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर इन टू ओमेगा. सिमिलरली द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल, ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे इसको, तो एल टू इज इक्वल टू एम टू आर टू स्क्वायर इन टू ओमेगा. फॉर थर्ड पार्टिकल एल थ्री इज इक्वल टू एम थ्री आर थ्री स्क्वायर इन टू ओमेगा. अप टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंथ पार्टिकल, एंथ वाले का भी निकाल लेते हैं, एल एन इज इक्वल टू एम एन आर एन स्क्वायर इन टू ओमेगा. अब सारे इंडिविजुअल अलग अलग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमने निकाल लिया, सारे अलग अलग पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देंगे तो हमको पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, देयरफॉर द टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी और ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, लिख सकते हैं रोटेटिंग रिजिड बॉडी, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी विच इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, तो मैं लिखता हूं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री एंड अप टू एल एन. तो सारे जो एंगुलर मोमेंटम हमको हर पार्टिकल के मिले हैं सबकी वैल्यू पुट करेंगे, हमको पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा. तो एल वन का वैल्यू क्या है, एम वन आर वन स्क्वायर इन टू ओमेगा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर इन टू ओमेगा. थर्ड का एम थ्री आर थ्री स्क्वायर इन टू ओमेगा प्लस, और एंथ पार्टिकल का क्या हो जाएगा, एम एन आर एन स्क्वायर इन टू ओमेगा. फिर से आप देख सकते हैं बच्चों, इन सब में से कौन सा वैल्यू कॉमन लेंगे, ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, ओमेगा सब में सेम है, ओमेगा इज अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, पूरे बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सारे पार्टिकल का भी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है. जब बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो पूरे पार्टिकल का भी होगा, क्योंकि इस बॉडी के अंदर ही तो सारे पार्टिकल हैं. ओके, तो ओमेगा को बाहर ले लिए, अंदर क्या बचेगा, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर एंड अप टू एम एन आर एन स्क्वायर. ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, गोज आउटसाइड. फिर से देखो बच्चों आपके सामने क्या आया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन हर एक डेरिवेशन में, हर एक क्वेश्चन में, इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सब में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज होगा. प्रॉब्लम चाहे सॉल्व करना हो, चाहे डेरिवेशन देखना हो, चाहे कुछ भी हो, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इस पूरी वैल्यू के बदले आप लिख सकते हैं
पहले तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल एम आई एंड आर आई का स्क्वायर, वेयर आई स्टैंड फॉर इंटीजर नंबर विच इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और अब इस पूरी वैल्यू के बदले में क्या लिखूंगा, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। मैंने स्टार्ट में बताया था क्या प्रूफ करना है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो आप एनोलॉजी के थ्रू डायरेक्ट भी क्या डेरिवेशन परफॉर्म करना है वो याद रख सकते हैं। अगर आपको लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मालूम है, मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम लीनियर, लीनियर मोमेंटम पी, एंगुलर मोमेंटम एल, लीनियर वेलोसिटी वी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मास इन लीनियर मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। दिस इज द डेरिवेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑफ अ लीनियर मोमेंटम एंड विच इज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन इन द एग्जाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन भी करना है, बार बार देखना भी है। एक ऐसा मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, ठीक है, 4-5 मिनट का लेक्चर होगा कि फिजिक्स को कैसे पढ़ें, मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन लैंग्वेज। तो हर एक पे मैं एक छोटा छोटा वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक्चुअली किस तरह से तैयारी करना है, कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। आप सिर्फ अगर वीडियो खाली देखते जा रहे हैं, बड़ी मज़ा आ रही, हाँ सर बोले पढ़ा रहे, बहुत मज़ा आ रही, ये वीडियो वो वीडियो बस देख, खाली वीडियो देख रहे, इससे भला नहीं होगा। आपने समझा, आपने देखा, आपका एक काम पूरा हुआ, ठीक है, आपका 10% काम एक्चुअली हुआ है। देन उसके बाद अब आपको जो है उसकी प्रैक्टिस करना है, उसको रिवाइज करना है, बार बार सॉल्व करके देखना है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। अरे इम्पॉर्टेंट तो ये है ना, हमने कैसे किया वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसको कर पा रहे कि नहीं, आप प्रैक्टिस करके देखो। और रेगुलर प्रैक्टिस और रिविजन तो करते ही रहना पड़ेगा, तो जाके आपके लिए मामला आसान होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे के सारे फॉर्मूले, क्वेश्चन, जितने भी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन, वो सब आगे अप्लाई होते रहेंगे, तो उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टॉप करता हूँ, गुड बाय।